ये दोनों चोर चुपके से बकरियों के ऊपर जाल फेंकते हैं। तभी एक बकरी जाल में फंस जाती है, फिर उसे पकड़कर घर ले जाते हैं। फिर इस काले बकरी के ऊपर गोल्ड कलर का स्प्रे करता है ताकि इसका मालिक बकरी को पहचान न पाए। इधर मौलवी बकरियों को लेकर घर पहुंचता है, तभी देखता है उसकी एक बकरी को किसी ने चुरा लिया है, फिर उसको खोजने जाता है। यहाँ ये लोग बकरी को गोल्ड स्प्रे करके बाजार में बेचने ले जा रहे थे, तभी एक बाइक वाला आता है, फिर इनसे कहता है बहुत ही खूबसूरत बकरी है, इसे बेचनी है क्या? तभी एक और आदमी आकर कहता है बकरी का क्या रेट लगाए हो? और देखते ही देखते यहाँ काफी सारे लोग इस अद्भुत बकरी को देख कर इकट्ठा हो जाते हैं और बकरी खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है। बकरी की बोली लगाते हैं तो लास्ट में एक आदमी 50,000 में बकरी को खरीद लेता है, उसके बाद घर लेकर जाता है। तब मौलवी कहता है ये देख छोटे में गोल्डन बकरी लेकर आया हूँ पूरे 50,000 में। तब मौलवी कहता है ये तो हमारी बकरी जैसी लग रही है, ये देख बकरी के गले में घंटा, इसे मैंने खुद बांधी थी। लेकिन ये आदमी मौलवी की बात को टालते हुए कहता है ये गोल्डन बकरी है। तभी मौलवी बकरी के बाल को रगड़ता है, फिर कहता है ये देख तुझे किसी ने बकरी के बाल में गोल्ड स्प्रे करके बेवकूफ बनाया है।